नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये गोल गोल क्या कौन सा फल है। तो अगर आप इसके पत्ते देखें तो आप समझ गए होंगे कि ये मीठी नीम का फल है। निमोड़ी बोलते हैं इसको नीम के लिए, तो मीठी नीम है ये, और इससे इसके सीड्स तैयार होते हैं। तो इनिशियली ये वाइट होता है, फिर ये पिंक हो जाते हैं, लाइट पिंक, फिर ये इस तरह से ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, कुछ कुछ तो काफ़ी ब्लैक हो गए हैं, और जब ये पूरे डार्क ब्लैक हो जाएंगे तब मैं इसको निकाल के इसकी रिपोर्टिंग, इसके सीड समझिए तब तैयार हो जाएंगे, और इससे हम बना सकते हैं अपना प्लांट। तो देखिए, जितनी भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इसकी ये ब्रांचेस हैं, फिर ये 2 इसकी सब ब्रांचेस हैं, तो सबके टॉप पे, चाहे वो बड़ी ब्रांच हो चाहे वो छोटी ब्रांच हो, ये देखिए सभी के टॉप पे ये निकल आए हैं। और इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि अगर आपको सीड्स नहीं तैयार करने हैं तो आप इसका, जब फ्लावरिंग हो रही हो, इसकी फ्लावरिंग होती है फेब या मार्च के मंथ में, तो आप उस टाइम ही इसको रिमूव कर सकते हैं। और उस टाइम अगर आपने इसको कटिंग कर दी तो इसकी एक तरह से प्रूनिंग हो जाती है, और इसकी नई ब्रांचेस आती हैं, मेन स्टेम इसकी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपने उसको बीज बनाने दिया, नहीं प्रूनिंग की, तो फिर इसके नए लीव्स आना रुक जाएंगे। तो अभी मुझे ये बात मालूम नहीं थी, जब ये सीड्स बन गए, मुझे ये सीड्स बहुत सुंदर लग रहे थे, और जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, पिंक कलर के सीड्स। तो फिर मैंने इसको ऐसे लगे रहने दिए, बट कोई नुकसान नहीं है। अब ये ब्लैक हो जाएंगे तब फिर मैं इसके नए पौधे बना लूँगी, और अपने आसपास के लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत नहीं है। तो इससे तो देखिए कितने सारे इसके पौधे बन जाएंगे, तो मैं खुश हूँ कि ऐसा है। बट हाँ, अगर आपको सीड्स नहीं चाहिए, रीप्लांट नहीं करना है, इसको नए प्लांट्स नहीं उगाने हैं, तो आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं फेब मार्च में, जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर ज़रूर करिए, अपने मित्र जनों को भी ये अद्भुत जानकारियाँ दें।